बीदर जिले के औरादबी तालुका में पूर्व मंत्री व औराद के विधायक प्रभुबी चौहान ने 12 अक्टूबर को औरादबी और थाना कुशनूर किसान संपर्क केंद्र में किसानों को बीज वितरित करके कृषि विभाग औरादबी की ओर से 2023-24 शरद ऋतु के बीच बीज वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शरद ऋतु की बुआई का काम शुरू हो गया है और विभाग की मांग के अनुसार चना, ज्वारी, गेहूं, कुसुबी, कलंडा और अन्य बुआई के बीज लाए गए हैं, रियायती दरों पर वितरित किए गए हैं। चौहान ने कहा कि औरादबी क्षेत्र के लिए 19,000 क्विंटल बुआई बीज की आवश्यकता है और 10,400 क्विंटल बीज उपलब्ध है। किसानों के लिए आवश्यक खाद और दवा भी उपलब्ध है, जिसे नजदीकी किसान संपर्क केंद्र पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय में आने वाले किसानों के साथ अधिकारी व कर्मचारी उचित व्यवहार करें, विभाग की योजनाओं के बारे में सही जानकारी दी जाए, सरकारी योजनाओं को पात्र तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, लोगों को किसी भी प्रकार की शिकायत न हो इसके लिए कार्य किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग में अन्नदाता किसान को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, इनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के वितरण के दौरान किसानों के बीच भेदभाव और योजना का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान औरादबी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है, हालांकि इसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया। मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति के बारे में आश्वस्त किया है। हालांकि दूसरी सूची में भी निर्वाचन क्षेत्रों का नाम हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा किसानों के साथ हूं और उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इस अवसर पर तालुका कृषि इलाके के अधिकारी काशीनाथ झिरगे, राम शेट्टी पेन्नाले, शिवानंद सावले, गिरीश वाडियार, ओमकार स्वामी, बंसी नायक, शिवराज अलमाजे, एमडी सलाउद्दीन और शिवशंकर और कृषि इलाके अधिकारी और दूसरे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के लिए संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। नाउ मुंचे कुड़ा मुख्यमंत्री के मिनिस्टर की भेटी मारी कमानगर बरकार घोषणे मारते बोली हेळ्ती नी बरकार घोषणे मारते पडी फर्स्ट लीज सेकंड लीज आगे आगेला ने कुडा मुख्यमंत्री अत्र होगी मनवी कोटेली सर ना औरा तालुका मतो कमानगर भाळ हाळ आगिदे यार यार काय मुरमुटे युद्धन के आगिदे तो मने अत्र भाळ कष्ट आगिदे तम 100% मारले बेको ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮಿಟಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದ ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೊಳಪ್ಪ ಅವರು ಹೊಸ ಬಂದಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ